इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव व जनपद चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आगामी दिनों में होने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाने के साथ ही स्वच्छता में पंच लगाने पर इंदौर वासियों को बधाई दी गई। मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए जहाँ कांग्रेस भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मैदान संभालना शुरू कर दिया है। इंदौर में रविवार को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने इंदौर वासियों को स्वच्छता में पंच लगाने पर बधाई देते हुए आप पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी मुद्दों को उठाकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। जो एक एक साथी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, मंच पे सभी लोग बैठे हैं, आखिरी की दो बातें और कहूंगा। आगामी ग्राम पंचायतों के भी चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय के भी चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय के चुनाव और साथ ही साथ इंदौर शहर के लिए भी मैनिफेस्टो तैयार करना है। उस मैनिफेस्टो के माध्यम से आम आदमी पार्टी यहाँ की जनता से कहेगी और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, रोजगार में भी, सड़कों के निर्माण में भी, जनता को एक एक रुपए के हिसाब देने के लिए भी, बिजली के जो सही दाम है वो दाम करने के भी, तमाम महिलाओं को, माताएं बहनों को सुरक्षा देने के लिए भी, बच्चों को उनका अधिकार देने के लिए भी, वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए भी हम लोग इस शहर के अंदर काम करके दिखाएंगे। तो स्वच्छता में जितनी हमें खुशी होती है, अगर हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो उस स्वच्छता को हम दुगने तरीके से महसूस काम को कर सकते हैं। साथियों, आपके शहर के आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी इंदौर वासियों को स्वच्छता में नंबर एक आने के लिए बधाई, शुभकामनाएं। ये खुशी की बात है कि इंदौर देश में स्वच्छता के मामले में नंबर एक आया है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अगर हमारे इंदौर के सरकारी स्कूल, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएं, यहाँ के अस्पताल, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ की माताएं बहनों को सुरक्षा मिले, एक एक गली बस्ती का विकास हो, तो ये स्वच्छता की जो खुशी है ये खुशी दुगनी हो जाएगी। सरकार इस ओर भी ध्यान दे, तब जाके सही मायनों में इंदौर के एक एक वासी को खुशी भी मिलेगी, उसका विकास भी होगा। आम आदमी पार्टी का काम जनता के बीच जाके संगठन बनाने का काम है, तो वार्ड के चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, उनके अंतर्गत आने वाले हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। आगे चलकर ये जो चुनावी तैयारी है 23 में भी बदलेगी, 23 में भी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव पे उतरेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इन दो पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस ने, न केवल प्रदेश का माहौल बिगाड़ा बल्कि यहाँ लोकतंत्र को कहीं ना कहीं एक किनारे छोड़ दिया है। ये मिलकर प्रदेश को लूट रहे हैं, तो ऐसे समय में हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मजबूत और ठोस विकल्प जनता के सामने रखने जा रहे हैं। जनता जो निर्णय करेगी वो सर माथे पे होगा।